अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुरनार के जंगलों में बीती रात डीआरजी और नक्सलियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस ने दो माओवादियों को मार गिराया है। घटनास्थल से दो शव और धारदार हथियार बरामद हुए हैं। मारे गए माओवादी कुरर बुधियार मारी एलजीएस कमांडर दीपक उर्फ पीला राम था, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। दूसरा किसकोड़ो एलजीएस सदस्य रतिराम था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। असॉल्ट राइफल कहना चाहिए इसे, G3 वो भी इसमें मिली है। तो कुल मिला के हर दृष्टि से और दो कमांडर मारे गए हैं, एक 5 लाख के इनामी है और एक 1 लाख के इनामी है। दोनों की काली वर्दी थी जो कि माओवादियों में जो बड़े कमांडर होते हैं उनको मिली है। तो कुल मिला के पुलिस अधीक्षक कांकेर के नेतृत्व में और आईजी विवेकानंद के नेतृत्व में जो ऑपरेशन चल रहे हैं। कहते हैं इरादे जब पक्के हों तो